एवरीवन, आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के वैकेंसी के बारे में। नहीं भाई, वैकेंसी के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था, उसको कैसे अप्लाई करना उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला था लमसम की 40,000 के ऊपर आपको यहाँ पे सीट खाली है पोस्ट ऑफिस का ऑल इंडिया। यहाँ पे 23 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको यहाँ पे लिया जा रहा है। तो उसके फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, और साथ में जब हमारे साथ में फिलअप करेगा आपको कोई मिस्टेक फॉर्म नहीं करेगा और आप पूरा करेक्टली वे आपका फॉर्म फिलअप होगा और चांसेस रहेगा आपका सिलेक्शन होने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं ज्योति फ्रॉम जीरो टू प्लेसमेंट। यहाँ पे हर एक चीजों का अपडेट दिया जाता है। मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो जैसे ही आप लिंक पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको ऐसा फॉर्मेट देखने को मिलता है। इस फॉर्मेट में आप देख सकते हो कि 23 स्टेट मतलब 23 डिवीजन में है, तो कोई भी डिवीजन से आप भरना चाह रहे हो भर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर डिवीजन को उठाती हूँ, जैसे एक एग्जांपल मैं लेती हूँ वेस्ट बंगाल को। यहाँ पे देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल के अंदर इतने सारे आपका डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आपको यहाँ पे वैकेंसी है, तो आप कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट चॉइस करो, उस चॉइस पे देख सकते हैं कि वहां पे कितने सारे पोस्ट ऑफिस है, उस पोस्ट ऑफिस में कितने सारे वैकेंसीज खाली है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग ओपन किए इसे, अब जाके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेकआउट करना है। साथ में यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या पिन कोड भी आपके नियर बाई है, तो उस पिन कोड के हिसाब से भी आप अपना पोस्ट ऑफिस चॉइस कर सकते हो। तो इसी हिसाब से अपना वैकेंसी समझ पाएगा कि मेरा घर के अगल बगल जो है वहां पे हम जाके जॉब कर सकते। लोकल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि आप जो भी स्टेट से बिलोंग हो उसके एक लोकल लैंग्वेज आपको क्लास 10 तक होना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है बंगाली लोकल लैंग्वेज है। अब हम लोग जाते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज में आपको रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको फोन नंबर ईमेल वैलिड फोन नंबर ईमेल देना है, क्योंकि उसमें ओटीपी आएगा, वो ओटीपी को आपको यहाँ पे रजिस्टर देना होगा, तभी आप निगे फर्दर जा सकते हैं। उसके बाद अपना नाम दीजिएगा, अपने फादर्स नेम आपको मदर्स नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, जेंडर देना है, ये आपका कंपलसरी रहेगा। दूसरा में आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका कम्युनिटी मतलब आप कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो आप देना है, जैसे एससी एसटी जो भी हो। दूसरा में कि आपने क्लास 10 कौन से डिविजन से पास मतलब कौन से स्टेट से पास किए वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। दूसरा में फिर आपको कौन से ईयर में आपने 6 मतलब 10 पास किए हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, जो ईयर में है वो पर्टिकुलर ईयर आपको डालना है। उसके बाद कैप्चर्स डाल के सबमिट में क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट में क्लिक करते हो आपका ऐसा फॉर्मेट आता है, देखिए फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया। लेकिन स्टेप में आपको क्या करना है, आधार नंबर प्रोवाइड करना है। तो आधार नंबर है तो आप दे सकते हो, यहाँ पे मैग्नेटरी नहीं बोला गया, आप दे सकते हो। फिजिकल हैंडीकैप्ट यस या नो पे देना है, अगर हो तो आप कौन से टाइप के वो देना पड़ेगा। साथ में आपका यहाँ पे क्लास 10 में कौन से लैंग्वेज आपने दिया था, तो उस क्लास 10 का आपको लैंग्वेज यहाँ पे देना है, इंग्लिश हिंदी जो भी आपने किया है, बंगाली जो भी है वो आपको देना पड़ेगा। आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो या नहीं हो वो आपको प्रोवाइड करना है। साथ में दूसरा चीज यहाँ पे देना है कि आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। दूसरा में कि यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका जो फोटो होगा वो 50 KB के अंदर होना चाहिए और जो सिग्नेचर है वो 20 KB के अंदर होना चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी अपना जो नोटिफिकेशन जब दिया था उसमें भी बता दिया। जैसे क्लिक करते हो ऐसा फॉर्मेट आएगा, आपको यहाँ पे सबमिट में क्लिक करना है। आई हेड में क्लिक करने के बाद सबमिट में आप क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करते हो आपका नेक्स्ट स्टेज, देखिए आपका फॉर्मेट कम्प्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, वेरिफिकेशन नेक्स्ट करने के बाद ये आएगा, आपको कौन से सर्कल में लेना है उसे चॉइस कीजिए। उसे जब भी चॉइस करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सबमिट में क्लिक करना है। देखिए सबमिट में जैसे क्लिक होता है एक ओटीपी आपके रेफरेंस फोन नंबर में चला जाता है, फोन और ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चर्स है वो कैप्चर्स को आपको डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ऐसे एक फॉर्मेट आ जाएगा जहाँ पे आपको एड्रेस अपना देना है, जो कम्युनिकेशन परमानेंट एड्रेस जो होगा वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कौन से जो सर्कल, जैसे क्लास 10 मैंने देखो वेस्ट बंगाल से पास किया तो वो यहाँ पे शो कर रहा है, बट मतलब आप कौन से बोर्ड से बिलोंग मतलब कौन से बोर्ड से आपने पढ़ाई किया, जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड होता है, एसईसी बोर्ड है, बीएससी बोर्ड है, जो भी आप बोर्ड से बिलोंग करते हो। अगर आप कोई भी स्टेट है जैसे दिल्ली है तो दिल्ली स्टेट बोर्ड भी होते हैं, वो सबसे अगर बिलोंग करते हो तो आप वो यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, आपको वो देना पड़ेगा। साथ में आपने जो सिलेक्टेड अपना जो रिजल्ट है वो रिजल्ट का क्या टाइप है वो भी आपको देना है। रिजल्ट का जैसे टाइप आपने क्लिक
क्लिक करोगे तो आपका ऐसा फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। अगर आपका CGPA का है तो आप CGPA पे मार्क्स लिखिएगा, अगर आपका नॉर्मल मार्क्स में है तो आप नॉर्मल मार्क्स ही दीजिएगा, क्योंकि वहां अगर दोनों मैच नहीं करेगा तो आप रिजेक्ट हो सकते हो। बट यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी बताया था कि इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज आपका होना चाहिए और मैथ्स होना चाहिए, तो वो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी देखिए दिख रहा है। उसके बाद मैंने बाकी सब्जेक्ट चॉइस करके मार्क्स दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट जैसे क्लिक किया ऐसे फॉर्मेट आएंगे। यहाँ पे आपने जो सर्कल चॉइस किए है या कौन से स्टेट्स मतलब कौन से आपको ये लेना है डिवीजन में लेना है, वो इस डिवीजन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसको जैसे ही आप डालते हो तो वैसे ही आपका एक नया फॉर्मेट फॉर्म होता है जहाँ पे आपको सारा डिटेल्स दिया गया है कि आप कौन से ब्रांच में लेना चाहते हो। तो जैसे ही मैं देखिए यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ कि कोई भी एक आपको डिवीजन चॉइस करना है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा देर के लिए कि मैं डिवीजन कौन सा लूँ, तो आप अपने हिसाब से अपना डिवीजन चॉइस कीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए डिवीजन में शो कर रहा है कि कौन से ऑफिस इसमें आपको अब लेना है, तो उसी हिसाब से आप अपना नंबरिंग करिएगा 1 2 3 करके। आपको यहाँ पे जितना मैक्सिमम नंबर दे सकते हो आपके हिसाब से। वो जैसे आप नंबरिंग कर लेते हैं उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करिएगा। जैसे आपका कंप्लीट होता है आप स्क्रॉल डाउन करके क्लिक करिएगा, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। देखिए आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो गया, देखिए मेरा भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो गया। ऐसे ही आपका एप्लीकेशन फिलअप होने के बाद आप क्या करिएगा, प्रिंट में क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं, या फिर इस फॉर्मेट को आप सेव करके रख सकते हैं इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जब आपका लिस्ट आएगा आप इसे वहाँ पे अप्लाई इसे फॉर्मेट मतलब इस फॉर्म को आपको ले जाके वहाँ पे शो करना पड़ेगा। वीडियो आज के लिए इतना ही। फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं मैंने A to Z आप लोगों को पूरा बताया। इसी तरीके से आप फॉर्म फिलअप करिएगा। अगर आप फीमेल है कोई फीस पे नहीं करना है, अगर आप मेल कैंडिडेट हो OBC से UR से कैंडिडेट है, आपको इसके बाद का जो रेफरेंस है वो आपका 100 rupees पेमेंट का टाइप आएगा, उस पेमेंट को आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली सबमिट होता है। आज की वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर अगर किसी को दरकार है तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।